चलिए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसिक्राइड के बारे में प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने डिस्कस किया था मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट के जिसमें हमने ये जाना कि कार्बोहाइड्रेट को थ्री मेन टाइप में क्लासिफाई किया है मोनोसिक्राइड पोलिगोसिक्राइट और पोलीसिक्राइट uh, ये तीनों क्लासिफिकेशन जो है उस बेसिस पर किया है कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद कितना शुगर यूनिट प्रोड्यूस करता है या उन कार्बोहाइड्रेट में कितना शुगर यूनिट प्रेजेंट है उस बेसिस पर क्लासिफाई किया था एक ही शुगर यूनिट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे मोनोसिक्राइट दो से दस तक अगर शुगर यूनिट है तो उसको ओलीगोसिक्राइड कहेंगे दस से अगर ज़्यादा शुगर यूनिट प्रेजेंट होता है तो उनको हम कहते हैं बेटा पोलीसिक्राइट मोनोसिक्राइड को फर्दर क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसिक्राइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस बेसिस पर दो टाइप में क्लासिफाई किया है मींस ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप मोनोसिक्राइट को दो टाइप में क्लासिफाई किया है दो टाइप में इसको क्लासिफाई किया है एक है पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अल्डोस अल्डोस में फंक्शनल ग्रुप होगा जो भी अल्डोस कार्बोहाइड्रेट होगा मोनोसिक्राइट इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड इज फंक्शनल ग्रुप होगा और अल्डिहाइड का सिंबल है यहां पर सी डबल बोन्ट ओ और यहां पर हाइड्रोजन तो ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको हम कहेंगे अल्डोस इस तरीके इस तरीके से दूसरा जो क्लासिफिकेशन है सेकंड क्लासिफिकेशन दैट इज केटोस केटोस में केटून एज फंक्शनल ग्रुप होता है तो उनको हम केटूस कहेंगे केटून का फंक्शनल ग्रुप जो फार्मूला है दैट इज दिस ठीक सी डबल बॉन्ट ओ नाउ यहाँ पर अल्डोस और केटस को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक अल्डोस मतलब जिन में अल्ड एज फंक्शनल ग्रुप होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ठीक है चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उस बेसिस पर फर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ठीक तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कार्बन एटम इन द चेन तो जो मोनोसिक्राइट है वेदर इट इज अल्डोस किटोस चेन में कितना नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है उस बेसिस पर फर इसको फर्दर क्लासिफाई किया है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे के केसेस में अगर चेन में तीन कार्बन है ठीक तो इसको हम कहते हैं अल्डो ट्रायस कहते हैं ट्राई मतलब तीन तीन कार्बन इसमें प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे अल्डो अल्डो ट्रायोस में ठीक एग्जांपल्स हम साथ साथ एग्जांपल भी लिखेंगे इसमें एग्जांपल है फॉर एग्जांपल ग्लाइसीरल डिहाइट ग्लाइसिरल डिहाइट ठीक इस तरीके से यहां पर एक तो आप जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं जनरल फार्मूला फॉर जनरल फार्मूला फॉर मोनोसिक्राइडिस सी एन एच टू एन ओ एन ठीक है तो यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ कार्बन है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन कार्बन एटम तो साथ साथ में जनरल फार्मूला भी हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर अगर कार्बन थ्री है तो जनरल फार्मूला हो जाएंगे सी थ्री एच टू इन थ्री लगाओ तो ये हो जाएंगे सिक्स और यहाँ पर आएंगे थ्री तो सी थ्री एच सिक्स थ्री इज द फॉर्मूला ऑफ अल्डो ट्रायस जिसमें एग्जाम्पल है ग्लाइसरल डिहाइट इस तरीके से यहाँ पर मैं जनरल लिखूँगा एग्जाम्पल ठीक है एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से अगर कार्बन नंबर फोर है तो उसको हम कहेंगे अल्डो ठीक है टेट्रोस हम कहेंगे अल्डो टेट्रोस अल्डो टेट्रोस में एग्जाम्पल है दो एग्जाम्पल एराइथ्रोलो एराइथ्रोस है एक है एराइथ्रोस और दूसरा है थ्रियोस ये दो अल्डो टेट्रोस का एग्जाम्पल है और इसका जनरल फार्मूला हो जाएंगे सी फोर एच एट और यहाँ पर ओ भी कितने टाइम्स फोर टाइम्स इस प्रकार से अगर पांच कार्बन है तो इसको हम कहेंगे अल्डो पेंटोस कहेंगे ठीक अल्डो पेंटोस में भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पर के केस में तो यहां पर है जैसे राइबोस है ठीक है राइबोस है इस तरीके से एराबिनोस है एराबिनोस एट्सट्रा ठीक है तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है अल्डोपेंटोस का जिसमें पांच कार्बन एटम्स हैं जनरल फार्मूला यहाँ पर C5 H10 हो जाएंगे और O5 फाइव दिस इज द फार्मूला ऑफ अल्डोपेंटोस इस तरीके से अगर छः कार्बन है तो इसको हम कहेंगे अल्डो अल्डो अल्डोहेगजोस ये बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है अल्डोहेगजोस इसमें एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज है एक ठीक ग्लूकोज और दूसरा आता है फ्रक्टोस यहां पर क्या आएंगे फ्रक्टोस फॉर्मूला हो जाएंगे ठीक so, है इस तरीके से का भी आप लिख सकते हैं यहां पर ठीक है अलग कलर से हम इसको लिखेंगे केटोसिस में अगर कार्बन नंबर थ्री है कार्बन तीन अगर कार्बन आता है तो इसको हम कहेंगे केट ट्रायूस हम कहेंगे के टू ट्रायूस हम कह सकते हैं आ, यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा जनरल एग्जाम्पल ठीक तो के टू ट्रायूस में जो एग्जाम्पल है दैट इज डाई हाइड्रोक्सीटोन यहाँ पर एग्जाम्पल है डाई हाइड्रोक्जी हाइड्रोक्सीटोन फार्मूला इसका सेम है ग्लाइसरल डिहाइट का जो यहाँ पर जनरल फार्मूला है वही फार्मूला के टू ट्राइस का भी होगा स्ट्रक्चर इसका अलग होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे फिलहाल हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अगर कार्बन चार है तो के टू कहेंगे के टू टेट्रोस हम कहेंगे एग्ज़ाम्पल इसमें है के टू में एराइथ्रुलोस है एराई ये एग्ज़ाम्पल है इसका इसमें चार कार्बन होता है इसी तरह अगर फाइव है तो इसको हम कहेंगे के टू पेंटोस हम कहेंगे के टू पेंटोस केटू पेंटोस का एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर ठीक जाइलुलोस है एक दो एग्ज़ाम्पल है इसमें जाइलुलोस और दूसरा है राइबुलोस राइबुलोस ठीक इनको याद रखना है इसके बाद जो कार्बन नंबर सिक्स अगर आता है तो उसको हम कहेंगे के टू हैगजोस के टू हैगजोस और यहाँ पर मैंने जो फ्रक्टोज लिखा है यहाँ पर नहीं आएंगे सॉरी ये केट हैगजोस का एग्जाम्पल है तो यहाँ पर केट हैगजोस में फ्रक्टोज आएंगे ठीक है फ्रक्टोज ठीक और यहाँ पर केट हैगजोस में टागाटोस आता है फ्रक्टोज आता है टागाटोस और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे तो ये है मोनोसक्राइट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दो टाइप में इसको क्लासिफाई किए हैं दैट इज अल्डोस और केटूस केटूस में कैटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डोस में अल्डियाइट ये याद रखना है तो ये जनरल फार्मूला है दोनों का ठीक है वो फार्मूला केटूस अल्डूस दोनों का सेम रहेंगे लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है जैसे फ्यूचर प्रोजेक्शन के मदद से हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें कन्फ्यूग्रेशन जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप की कन्फिग्रेशन अलग होता है तो डिटेल में डी एंड एल कन्फ्योगेशन्स जो है इन केटोस uh, और अल्डूस uh, का हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे uh, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन